हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सुमन ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है एंड कुकर में मैंने डाल दिया है प्याज और उसके साथ ही मैंने आलू डाल दिए कटे हुए। तो आप इसको भूनना है, आपको आप इसको थोड़ा देर तक भूनिए। उसके बाद आप इसमें को मतलब इतना भून लेना कि ब्राउन हो जाए प्याज। देन आफ्टर आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालिएगा। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी जो उसका कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, इतना आपको भूनना है। और देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। उसके बाद आप इसमें हल्दी पाउडर डालिए। मसाले आप क्या क्या डालते हो वो नॉर्मली मसाले होने चाहिए, जैसे हल्दी हो गया, नमक हो गया और धनिया। तो मैं भी यही चीज़ डाल रही हूँ, मैंने हल्दी डाल दी है। और अभी थोड़ा इसके बाद ही मैंने डायरेक्ट इसमें मटन डाल दिया था, बिकॉज़ नमक जो होता है वो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हो। और जो धनिया है तो धनिया आप देखिएगा मैं एक कप डालती हूँ। फ़िलहाल अभी मटन को आप थोड़ा सा भूनिए। और मटन जो है वो सबसे ज़्यादा मेन है, बिकॉज़ अगर मटर टेंडर नहीं होगा तो वो पुलाव अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको मटर को भूनना है। मटर को बहुत से लोग पहले ही उबाल लेते हैं। तो और यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं वो मैं डाल रही हूँ, वो आप ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्च और लहसुन अदरक तो आपने पहले डाल दिया है। और आप इसके साथ में ही ये धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर धनिया का पाउडर को आप लहसुन अदरक के साथ में पीस के भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो खड़े मसाले आप पहले भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, क्योंकि सबके तरीके अलग होते बनाने के। तो इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं और खड़े मसाले भी इसके साथ थोड़े से भून जाएंगे। थोड़ा सा इसको भूनते रहिएगा। और इसमें मैंने अभी ऐड कर दी है दही, क्योंकि पुलाव या बिरयानी इन सब में दही जो है वो थोड़ा सा मेन इंग्रेडिएंट रहता है, बिकॉज़ इसके कारण थोड़े से ना वो खटास टाइप की आती है। बहुत से लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो सो सॉरी। मैं वेज वीडियो भी डालती रहती हूँ, बट नॉनवेज भी मेरे घर बनता है तो मैं नॉनवेज वीडियो भी डालती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो मैं बनाऊँ। अभी देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए इस, और नमक आप लास्ट में भी डाल सकते हो, जब आप प्याज भून रहे हो तब भी डाल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो नमक डाल दिया है और अब ये थोड़ा सा भूनेगा। इसके बाद मैंने इसमें डालने हैं एक बड़ा टमाटर, मैंने काट के डाल रही हूँ मैं इसमें। ये भी ऑप्शनल है, आप डालो या ना डालो, मगर डालने से वही थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आता है, इसलिए मैं टमाटर भी डालती हूँ। अभी सर्दियों के टाइम है तो अभी टमाटर देसी वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो टमाटर को ना आप एकदम चॉप कर करके भी डाल सकते हो, और जैसे मैंने काट के डाला है वैसे भी डाल सकते हो, आपको जैसा पसंद हो वैसा आप डाल दीजिएगा। और इसमें मैंने फिर डाल दी है 2 से 3 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च को पीस के भी डाल सकते हैं, खड़ा भी डाल सकते हैं। जब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उस समय आप उसमें हरी मिर्च को पीस के भी डाल सकते हो, खड़ा भी डाल सकते हो। हरी मिर्च को अगर हम खड़ा डालते हैं तो वो टेस्ट अलग आ जाता है, अदरवाइज पीस के डालते हैं तो वो तो तीखापन आता है। और अभी मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने धनिया बहुत कम डाला है। अभी जो मैंने डाला है वो है ज़ीरा और काली मिर्च, और उसमें मैंने धनिया मिक्स कर दिया था, इसलिए ज़्यादा धनिया मैंने नहीं डाला है। आप अगर धनिया ज़्यादा खाते हो तो ठीक है, मैं धनिया ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मतलब जितना डालना है उतना डालती हूँ। तो अब हमें इसमें कोई मसाला डालने की नीड नहीं है, बस लास्ट में आप थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको पानी डाल दूँगी, और पानी आप उतना ही डालिएगा अभी जितने में ये मटन थोड़ा सा टेंडर हो जाए। और चावल आप नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हो, बस मोटे चावल नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ पुलाव में मोटे चावल अच्छे नहीं लगते। मैंने इसमें जो डेली यूज़ के लिए जो मैं करती हूँ वो मैंने डाला था,
इसमें मैंने बिरयानी वाले जो लंबे वाले राइस होते हैं वो मैंने नहीं यूज़ किया है, तो वो आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। अब इसको मैं एक सीटी लगा दूँगी, क्योंकि एक सीटी हो जाएगी ना तब जो मटन है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा। और देखिए मैंने अभी ढक्कन खोल दिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल दिया मैंने हरी धनिया कटी हुई, टेस्ट अच्छा आता है इससे। और जो हमने चावल जो सोख करके रखे हैं अब हम उसको ऐड कर देंगे इसमें। ये चावल मैंने सोख करके रखे हैं, ये चावल ना मोगरा वाले चावल हैं, मतलब जो टूटे हुए आते हैं, ज़्यादा टूटे हुए नहीं आते, कि चावल जब बनते ना तो लंबे हो जाते हैं, ये उसका टूटा हुआ पार्ट रहता है। ये चावल आपको इंडिया गेट का पैकेट भी मिल जाएगा मोगरा के नाम से, बीटन राइस होता है ये, और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है इसका। तो मैंने सोचा कि चावल मैं पूरा डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा चावल लग रहा था मुझे, फिर मैंने इसमें पूरा ही चावल डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा बचा के क्या करना है। और यकीन मानिएगा इस पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज उस समय बहुत खटपट खटपट की आवाज़ आती रहती है, कि मेरी आदत है ना, मैं जब बनाती हूँ ना तो बहुत कलछू को इतनी बार पटकती हूँ, मतलब उसको झटकती हूँ, तो वो आवाज़ अच्छी नहीं लगती मुझे, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ जनरली। और अब इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दूँ, इसे गर्म मसाला कैसा बनेगा। तो देखिए ये देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा चिपचिपा टाइप का, बिकॉज़ जो पुलाव वगैरह होते हैं ना वो थोड़े ऐसे ही होते हैं, एकदम अलग अलग जो होते हैं वो बिरयानी हो जाती है। और इसको आप इस टमाटर और प्याज की रायते के साथ भी खा सकते हो, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी होती है उसके साथ भी खा सकते हो, रायते के साथ, सैलेड के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ खाना चाहो। सो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ।